दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी, स्विगी। साई प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं अरुणिमा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पत्रकार वार्ता कर प्रभारी मंत्री ने प्रदेश सरकार के 3 साल की उपलब्धियों को गिनाया। जिलाधिकारी ने जिला चिकित्सालय में बने आइसोलेशन वार्ड के साथ तमाम विभागों का किया निरीक्षण। जिला प्रशासन सहित विभिन्न विभागों के साथ कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों के संबंध में प्रभारी मंत्री ने की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। एसएसपी ने कोतवाली थाने का किया आकस्मिक निरीक्षण। कोरोना वायरस को लेकर कोतवाली थाने में दिखी जागरूकता। सिटी मजिस्ट्रेट ने खाद्य विभाग की टीम के साथ सिटी मॉल का किया औचक निरीक्षण। कोरोना वायरस से बचाव के संबंध में किया जागरूक। एसएसपी की पहल पर पुलिस ने अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान। एसडीएम सदर ने बताया रिहायशी क्षेत्रों में ग्राम सभा की जमीनों पर वर्षों से मकान बनवाकर परिवार के साथ रह रहे मकानों को नहीं कराया जाएगा खाली। जिलाधिकारी सभागार में एडीएम वुत ने केबल ऑपरेटरों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिला कारागार में कैदी बना रहे हैं कपड़े के मास्क। मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कहा वायरस से बचाव की सभी तैयारियां रखें जिससे संक्रमण को रोका जा सके। नगर निगम की टीम ने कलेक्ट्रेट परिसर के विभिन्न विभागों में किया सैनिटाइजर का छिड़काव। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा ने संबंधित अधिकारियों से कहा कायाकल्प ऑपरेशन के तहत विद्यालयों का कराया जाए कार्य। और बस्ती की टीम बनी गोरखपुर जोन की 69वीं अंतर जनपदीय पुलिस हॉकी प्रतियोगिता की चैंपियन। फाइनल मुकाबले में गोरखपुर को 5-0 से हराया। प्रदेश सरकार के 3 साल पूरे होने पर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री व गोरखपुर के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के संबंध में एनेक्सी भवन सभागार में पत्रकार वार्ता की। जनपद गोरखपुर में कितने विकास का हुआ है उसी का हम लोग बुकलेट के जरिए से हर विधानसभा वाइस बनाए हैं, उसको आपको हम लोग सब निकाल देंगे। अरे हुआ बहुत तो प्रत्येक विधानसभा का भी ऐसे बुकलेट बना है, आप सबको प्राप्त हो जाएगा। सर आ जाए आप पास। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दृष्टि दूरदृष्टि एवं प्रशासनिक कौशल से प्रदेश के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है और गांव, गरीब, किसान, महिला, मजदूर, नौजवान सभी को हित में अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जाए। चिकित्सा संस्थानों या स्थापना एवं संचालन से प्रदेश अग्रणी है, इसकी पहचान विकसित प्रदेश के रूप में ही हो रही है। एक जनपद एक उत्पाद योजना की परिकल्पना और राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली है। जनपद अपने विशिष्ट उत्पाद के लिए जाने जा रहे हैं। उत्पादों को नया बाजार मिला, जिलावार उत्पादों का मंडी फैक्ट्री के साथ ही रोजगार में वृद्धि हुई। गोरखपुर के उपलब्धियाँ तो इतना हो गया है, आप लोग हम लोग सौभाग्यशाली हैं
कि योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो गया है, अब गोरखपुर के रहने वाले हैं, अगर अब आज भी कोई तरस रह जाएगा कोई काम के लिए तो हमको लगता है कि बड़ी गड़बड़ होगी। माने योगी जी के रहते हुए कोई भी ऐसा काम नहीं बचने पाएगा जो गोरखपुर के विकास के लिए ना हो। जो पूरी हो गई, कोशिश कर रहा हूँ जो पूरी हो गई, क्योंकि बहुत योजनाएँ आ गई हैं, अब धीरे धीरे पूरी हो गई, लेकिन मैं जानता हूँ 5 वर्ष के पहले सारी पूरी हो जाएंगी और सारी सुविधाएं सबको मिलेंगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। अरे कोई बात नहीं है, कोरोना वोना सब जा रहा है, कहीं लोग जितना है उससे ज़्यादा लोग अफवाह फैला रहे हैं, इसकी चिंता न करें, थोड़ा बड़ा बचाव करते रहिए इतना कर। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने जिला चिकित्सालय में कोरोना वायरस से निपटने के लिए बनाए गए आइसोलेशन वार्ड की गहनता से निरीक्षण किया, साथ ही चिकित्सालय के तमाम विभागों का भी निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। डीएम साहब जिला अस्पताल के निरीक्षण करते हैं। देखिए जिला अस्पताल में, बीआरडी में और जगह 3-4 जगह हम लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, खासतौर पर कोरोना वायरस का यदि कोई भी मरीज निकलता है तो उनका आइसोलेशन वार्ड में कैसे रखाया जाएगा, उनका क्या सुविधा देना है, क्वारंटाइन कैसे कराया जाएगा, उसी का पूरा शासन से निर्देश मिला है। उसी दिशा पर यहाँ जो जिला अस्पताल में 23 बेड क्वारंटाइन वार्ड एक अलग रखा है, उसके अलावा 5 यदि सीरियसली इल हो जाते हैं उनका अलग वार्ड है, उसके अलावा भी और 10 वार्ड हम लोग क्रिटिकली इल के लिए भी रखा है, यानी तीनों कैटेगरी का हम लोग तीन व्यवस्था कर रखा है, यानी जो कोई मरीज़ है किसी का हल्की फुल्की बुखार है, सिम्टम है, उनका अलग कराया जाएगा, किसका पॉजिटिव निकलाता है जांच में उसका अलग कराया जाएगा, किसका पॉजिटिव निकलने के बाद थोड़ा स्थिति गड़बड़ हो जाता है उनका अलग कराया जाएगा, उसी टाइप का 50 बेड का व्यवस्था यहाँ है। उसके अलावा 3-4 जगह हम व्यवस्था करा रहे हैं, गवर्नर की कोई बात नहीं है, जो भी आप सतर्क रहें, ये बीमारी यहाँ गोरखपुर में आने से हम बचा सकते हैं, यदि आ भी जाएगा हम लोग उसी स्थिति पर हैं, हम नियंत्रण करेंगे, कोई किसी के गवर्नर की कोई बात नहीं। जिला प्रशासन सहित विभिन्न विभागों के साथ कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों के संबंध में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री व गोरखपुर के प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में अधिकारियों से कहा कि इस बीमारी से निपटने के लिए सभी संबंधित विभाग कमर कस लें और कहीं से किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती जाए। प्रदेश सरकार इस बीमारी से निपटने के लिए समुचित व्यवस्था उपलब्ध करा रही है। बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन, एसएसपी डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता, सीडीओ हर्षदा माथुर, नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, डीआईओएस ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया, बीएसए बीएन सिंह सहित अन्य विभागों के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। उसके लिए
इनकेस किसी के मान लीजिए अभी आ गया होगा 15 दिन रहना है पूरा सुविधा है। उसके बाद बीआरडी मेडिकल कॉलेज है सर, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में हम लोग करीब 25 लोग वहाँ रख सकते हैं, 160 लोग का सर सामान्य तौर से रख सकते हैं। उसके अलावा सर करीब 10 कमरा है, 6-4 से कोई केस ऐसे रिपोर्ट नहीं हुआ है। अब अफवाहें बहुत फैलता रहता है सर, पुलिस से मोबाइल से आ जाता है ये फलाना व्यक्ति बाहर से आया है, वो चेक करिए उसके। और यहाँ सर सर बीच वाले सर लखनऊ में अभी गोरखपुर का सर सीएम सर चाहते हैं, गोरखपुर में भी बीआरडी में नाम लेते हैं। यहाँ से सर हम लोग नेपाल बॉर्डर से काफ़ी दूर है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी नहीं है, आसपास जनपद में कहीं केस की रिपोर्ट नहीं हुआ, नेपाल में भी नहीं हुआ सर। नेपाल बॉर्डर का बाहर व्यक्ति किसी को अलाउ नहीं करता, उसी टाइम तो वो नेपाल बॉर्डर भी सील हो। टीवी से मीडिया बोलेंगे सर, वही चल रहा है टीवी से। बेहोश करा करके हम लूट के चले जा रहे हैं। तो गोंडा में भी सीएमओ ने रिलीज किया सर, जो सफाई के नहीं आ गया, ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए, अफवाह न फैलने पाए ज़्यादा, ये उससे बात करनी चाहिए। एक बार सारे लोग आपस में कुछ सामाजिक तत्व हैं जिस प्रकार से करके गड़बड़ करते हैं, साफ करके चलाना है सर, बंद तो नहीं चल रहा है मामला। एसएसपी डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने कोतवाली थाने का आकस्मिक निरीक्षण किया। वहीं कोतवाली थाने में प्रवेश करने से पहले अपने हाथों को हैंड वॉश किया और सीओ कोतवाली बीपी सिंह और थाना प्रभारी जयदीप वर्मा सहित कोतवाली थाने के अन्य कर्मचारियों को निर्देश दिया कि थाने में जो भी आगंतुक या शिकायतकर्ता आते हैं तो उनसे दूरी बनाए रखें और थाने में प्रवेश से पहले अपने अपने हैंड वॉश करके ही थाने में प्रवेश करें। रिकॉर्ड हो गया टोटी साफ करो, मालूम है टोटी ही गंदी है, बंद करने के लिए हमने टोटी की, हाथ का साफ मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने बताया। आज कोतवाली थाने का ऐसे ही आकस्मिक मैंने भ्रमण किया और यहाँ पर भी कोरोना को लेकर के जो पुलिस में एक संदेश और जो जागरूकता है उसको हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं कि आगे के लिए जो है पुलिस भी सतर्क रहे और लोगों को होशियार करे। जैसा कि आपने देखा, हमने थाने और ऑफिसर्स ऑफिसर्स में भी ये बंदोबस्त किया है कि भीड़ भड़का ना हो, अगर लोग सुने एक एक करके लोग फरियादी सुने, एक दूसरे से उचित दूरी बना के रखें, दफ्तरों के बाहर हाथ धोने के इंतजाम कराए जा रहे हैं
कि सभी लोग हाथ धो करके साफ सफाई के साथ जो है अपने रहें। और कोरोना से जैसा कि आपको पता है कि जैसे एक स्वास्थ्य महकमा और पुलिस महकमा इसे 24 घंटे काम करना ही करना है, यदि हम इसकी चपेट में आएंगे तो फिर हमारे लिए मुश्किल होगी। और इसको लेकर के ही हम अपने थाने चौकियों में लगातार जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो हमारी क्राइम की रिपोर्टिंग है, जो भी हमारा काम करने का तरीका है, औचक नियंत्रण निरीक्षण है, उन सब के बारे में भी देखा जाता है। तो इस भ्रमण से कोतवाली थाने की जो नफरी है, चूँकि ये घनी बस्तियों में रहते हैं, एक अवेयरनेस प्रोग्राम की बहुत ज़रूरत महसूस की गई, इसलिए कोतवाली थाने को हमने थोड़ा सा ब्रीफ किया है अलग अलग बैठा करके, भीड़ भाड़ ना करके, और कोरोना से जो बचने के जो उपाय हैं वो सब बताए गए हैं। ये एक सिम्बॉलिकली है कि हमने सभी थानों को ये निर्देश दिया है कि जो भी लोग सामान्य लोग हैं, जिससे वो जागरूक भी हो जाएं, और हाथ धोने से क्या है कि जो बाहर से आदमी जा रहा है, और जैसा कि आपको पता ही ह्यूमन टच से ही ये वायरस फैल रहा है, और हाथ में भी अगर आपके वायरस पहुंच गया है, अगर आप उसको मुंह आँख नाक कान में नहीं लगा रहे हैं तो हाथ पे भी वो कुछ समय बाद नष्ट हो जाता है और फैलने से बचता है। तो यही एक जागरूकता है, और पुलिस को बहुत जागरूक रहने की ज़रूरत है। सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने खाद्य विभाग की टीम के साथ सिटी मॉल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सिटी मॉल में आने वाले लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करने के साथ ही मॉल में लगे हुए रेलिंग, दरवाजों के हैंडल की साफ सफाई के बारे में सिटी मॉल के संबंधित अधिकारियों को बताया गया। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ने सिटी मॉल के विभिन्न दुकानों का भी निरीक्षण किया और उन्हें भी वायरस के प्रति सचेत रहते हुए समुचित बचाव की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। कर दूं, ये कोई छापा नहीं है, ये आपको सिर्फ जो सोशल डिस्टेंसिंग और इस समय कोरोना वायरस का चल रहा है उसके एटिकेट्स बताने के लिए बेसिकली हम लोग आए हैं, ठीक है। तो इससे आपको पब्लिसिटी भी हो जाएगी, पर अगर अच्छी पब्लिसिटी हो तो कुछ चीज़ें याद रखिएगा। जैसे लोग खाना खाने आते हैं तो आपके जो रेस्टोरेंट के अंदर का जो हाइजीन है, मतलब जो अंदर एक बनता है खाना, एक उसका हाइजीन अलग होता है, एक नॉर्मल हाइजीन होता है। जैसे आपको जो बाहर रखना है, जो आंदोलन रखते नहीं है लोग, जैसे मैं अंदर घुसा तो आपने सैनिटाइजर रखा था, ये रोज रखा हुआ मिले। और एक जनता को आदत डालिए कि जैसे वो आते हैं तो जैसे मैंने निकाल के तुरंत उसको पूछे अपने कर दीजिए। थोड़ा आपको पैसा लगेगा, नुकसान होगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर इससे एटलीस्ट कोई एलिगेशन नहीं लगेगा। तो इस तरह आप लोग ये दो सैनिटाइजर यहाँ रखेंगे, फिर हर टेबल के बीच में कितना डिस्टेंस बताया गया, 1 मीटर के डिस्टेंस रखने का आप लोग प्रयास करिए। और ये इनका मुंह तो मास्क लगा रहे हैं, ये सब लगा रहे हैं, और सैनिटाइजर मैं तो कहता हूँ 50-60 ले लीजिए। सैनिटाइजर है सर, बाकी हम लोग जैसे सुमा कार्बन भी है, सुमा सैनिटाइजर वे सिंक वो सब भी यूज करते हैं। और एक इसको लगा दीजिए हर जगह पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये होटल्स पे बहुत ज़्यादा होटल जो है बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल है इस चीज़ के लिए, क्योंकि आपकी जो लोग खाना बना रहे हैं वो बहुत सफाई से बनाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं ये चीज़ गलती हो जाती है डॉक्टर इन्फेक्शन, तो इसको आप ध्यान रखें। पहली चीज़ ये कि आपकी दुकान में से लोग आते हैं तो अभी डायरेक्शन जारी हुआ है कि कोरोना वायरस कारण सैनिटाइजर साथ में पूछिए, जैसे आपने वहाँ रखा हुआ है ना, तो इसको कोशिश करिए कि गेट के पास ही रख दीजिए। जैसे कोई आदमी जो होता है यहाँ भी रख दो, कोई आदमी जैसे होता है तो वो गेट खुल के अंदर आता है आपके यहाँ, वो सैनिटाइज करवाते हैं। हाँ, उसको कराना ही कराना है, उसकी प्रोटोकॉल पूरी जारी हुई है, मैं यहाँ बिल लगा भी दे रहा हूँ, आपको लगाते रहेंगे और कराते रहेंगे। इसके अलावा जैसे हम तो कोई आदमी हाथ में लिया हुआ तो उससे छुआ जाएगा इनके, या कपड़े देख रहा है, कपड़े कई लोग देखते हैं चेंज करते हैं, तो जैसे ही देखे तो आप उसको सैनिटाइज वापस भेजेंगे। तो सामान ले गया है, ले लेंगे, ले आप लोग हर शॉप का निरीक्षण कीजिए, सारी काउंटर पर कोई हाथ रखता होगा, कोई सामान छू के देखता होगा, ये पर्स ऐसे पूछे कितने का है, पूछा होगा, रख दिया ऐसे वापस, तो अगर मान लो इनकेस कुछ हुआ तो उसके हाथ में आसपास में कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी है। तुरंत भैया से बोलिए, आप लोग पहले सब लोग मास्क पहनिए, मतलब जब जरूरत हो तब, ऐसे मत पहनिए। सर जो है ये बहुत बड़ा कैरियर है, हो सकता है अगर इनके यहाँ वायरस स्प्रेड करता है तो आपको कुछ बेसिक प्रोटेक्शन लेनी है, जो कि लिखा पढ़ी हम लोग दे भी दे रहे हैं मॉल में, और ये चीज़ें मैं 100 अगस्त उसको तो कटवा के कहाँ है छोड़ना हो खत्म हो गया। अरे यार उसकी नहीं कह रहे आपने, स्टाफ के लिए अंदर जो लोग आएंगे उनके लिए अभी नहीं है सर। देखिए समझ लीजिए, अभी 3-4 घंटे में आप ये चीज़ें करा लीजिए, ठीक है।
मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि जो विभिन्न मॉल हैं और विभिन्न मॉल में जो स्टोर्स हैं और जो भी खाने की दुकानें हैं, जो भी रेस्टोरेंट्स हैं, सबकी जांच की जा रही है और सबको कोरोना वायरस के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट सबको सोशल डिस्टेंसिंग का कंसेप्ट बताया जा रहा है कि उनको एक पर्याप्त दूरी बनाई रखनी है, और क्योंकि मॉल्स में लोग अक्सर आते जाते रहते हैं और यहाँ पे बहुत बड़े कैरियर्स होते हैं, जो एस्केलेटर्स होते हैं, यहाँ पे लिफ्ट की बटन्स होती हैं और किसी भी स्टोर का जो हैंडल होता है, जो एंट्री करने का गेट होता है, ये सब बहुत बड़े कैरियर्स होते हैं। तो उनको बताया जा रहा है, सारे स्टोर्स में सुनिश्चित कराया जा रहा है कि वो सैनिटाइज़र अपने पास रखें। इसके साथ साथ जो खाने की दुकानें हैं, जैसे अभी हमने मॉल के अंदर जो दुकानें थी उनकी चेकिंग की, तो अभी वहाँ पे चीज़ें सही पाएगी उनको। बाकी और भी चीज़ें जो गवर्नमेंट के डायरेक्शन है वो बताए गए हैं कि वो पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर्स रखें और जनता को वो अपनी तरफ से भी जागरूक करें। इसके अलावा इनको पैम्पलेट्स भी बांटे गए हैं, पैम्पलेट्स के अलावा और पोस्टर्स और जो भी जागरूकता चीज़ें सब बांटी गई हैं। इनको बताया गया है कि अपनी तरफ से भी ये पूरी जागरूकता रखें और लोगों को जागरूक करें और किसी भी प्रकार से इसको फैलने से रोका जाएगा। एसएसपी डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता की पहल पर आम नागरिकों को जाम से छुटकारा दिलाने के लिए पुलिस अधीक्षक यातायात आदित्य प्रकाश वर्मा व पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ के नेतृत्व में पूरे दलबल के साथ अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। अभियान के दौरान दुकान के आगे अतिक्रमण किए हुए दुकानदारों को सख्त निर्देश दिया गया कि वह पटरी व सड़क पर अतिक्रमण न करें। कार्रवाई के दौरान क्षेत्राधिकारी कोतवाली बीपी सिंह राजघाट, थाना प्रभारी राजेश कुमार पांडे पूरे दलबल के साथ मौजूद रहे। ने जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार विभिन्न चौराहों को हमने और एसपी सिटी साहब ने दोनों लोगों ने डिसाइड किया है कि डेली हम लोग शहर के 3 चौराहों पर अतिक्रमण खाली कराएंगे और वहां पर हम लोगों ने 10 पॉइंट लिए हैं। उनमें जो है ट्रैफिक और सिविल पुलिस के लोग कंबाइंड रूप से टीम के रूप में रहेंगे और उन 10 चौराहों पर कोई अतिक्रमण नहीं लगने देंगे। कम से कम 50 से 60 मीटर की दूरी पर चौराहा साफ रहेगा। उसी के अंतर्गत आज हम लोगों ने ये कार्रवाई की है, टीपी नगर, रुस्तमपुर चौराहा और आज़ाद नगर चौक पर। जॉइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया भूमाफियाओं व दबंगों द्वारा कब्जा किए हुए खलिहान, पशुचर, खेल मैदान, तालाब, पोखर, खाद, गड्ढा को लेखपालों द्वारा सर्वेक्षण कराकर इन जमीनों पर कब्जा किया जाएगा। वहीं रिहायशी क्षेत्रों में ग्राम सभा की जमीनों पर वर्षों से रह रहे परिवारों के मकानों को खाली नहीं कराया जाएगा। पशुचर और 132 की लैंड जो है, तालाब, पोखर, इन सब का हमने पैमाइश कराई है। ये देखा जाए गांव में कुछ भूमाफिया सक्रिय हैं, खासकर दबंग लोग जो होते हैं, 4-5 लोग होते हैं जो उस पर कब्जा किए हुए हैं। इस कारण से गांव के भूमिहीनों को, जिनको वास्तव में आवास की जरूरत है, उनको पट्टा नहीं मिल पा रहा है। तो हमने गांव सभा की जमीनों का चिन्हांकन करा रहे हैं और ये बात मैं निश्चित कर देना चाहता हूं कि जिसका मकान बना हुआ है, जिसका स्थायी मकान बना हुआ है, जो उसमें रह रहा है, चाहे किसी भी तरीके की जमीन हो, उसको प्रशासन का गिराने का कोई इरादा नहीं है, ना उसको गिराएगा। हम नोट इसलिए कर रहे हैं ताकि उसको हम विनियमितीकरण कर सकें, राजस्व संहिता के तहत कई सारी धाराएं विधिक कार्यवाही उस पर कर सकें और उसको विनियमितीकरण किया जा सके। मकान जो बने हुए हैं, जिसमें लोग रह रहे हैं, रिहायशी हैं, उसको गिराने का कोई इरादा नहीं, ना हमने कभी गिराया है। इस संदर्भ में गांव के ही भूमाफिया जिन्होंने खलिहान की जमीन पर कब्जा कर रखा है, टीन शेड डालकर, बाउंड्री वाल करके खलिहान की भूमि पर कब्जा कर रखा है, पोखर की भूमि पर कब्जा कर रखा है, पशुओं को बांध के अपना कोई गोदाम बना के, ऐसी भूमियों को हम गिराएंगे, क्योंकि वो खलिहान की भूमि है, पशुचर की भूमि है, तालाब की भूमि है। लेकिन जिसका मकान है, जिसका मकान रह रहा है, अपने परिवार के साथ रह रहा है, उसको गिराने का कोई इरादा नहीं है। ऐसे लोगों से जिन्होंने भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा किया हुआ है, उनसे भूमि छुड़ाकर हम गांव के ही जो भूमिहीन लोग हैं, जिनको आवासीय पट्टे की आवश्यकता है, उस गांव में हम आवासीय पट्टे उनको देंगे, ताकि उस गांव में कोई भी भूमिहीन व्यक्ति बगैर आवास के ना रह सके। तो हमारा इस अभियान का सबसे बड़ा जो गोरखपुर पहल हमने चलाया है, उसका उद्देश्य यह है कि गांव में कोई भी भूमिहीन बिना आवास के ना रह सके, सभी भूमिहीनों को हम आवास दे सकें,
उसके लिए जमीन की आवश्यकता है, तो उस जमीन को हम जो भूमाफिया हैं, गांव के दबंग लोग हैं जिन्होंने गलत तरीके से पोखर को पाटकर खलिहान को बाउंड्री वॉल कर रखी है, उसको हम छुड़ा के ऐसे भूमिहीनों वितरित करेंगे, ऐसे भूमिहीनों को आवासीय पट्टा देंगे जिनको इसकी आवश्यकता है। आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि गांव में जिसका रिहायशी मकान है, जो कई सालों से रह रहे हैं, उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रशासन को मकान ना तो गिराएगा ना कुछ करेगा, बस नोट कर इसलिए कर रहे हैं ताकि उनका विनियमितीकरण किया जा सके, उनको स्थायी किया जा सके। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा पूरी बन रही है, साथ में क्या खाओगे? आलू छोले। आलू इस घर में मेरी वैल्यू तो थैंक यू। छोले। घर का खाना साथ में थोड़ा स्विगी, ऑर्डर करो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से। ये फ्री एंटरटेनमेंट का महीना D2H के साथ। अगर 30 सितंबर के पहले से आपका सेट टॉप बॉक्स बंद पड़ा है तो मिस्ड कॉल दीजिए और पाइए वेलकम बैक ऑफर प्रतिदिन फॉर ₹1, 2 या 3 और पूरे महीने का प्रीव्यू फ्री। ₹1 प्रतिदिन में पाइए 201 चैनल्स, ₹2 प्रतिदिन में पाइए 217 चैनल्स, ₹3 प्रतिदिन में पाइए 235 चैनल्स। तो देर किस बात की, D2H अलग ही व्यू। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो, तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिन भर। जिलाधिकारी सभागार में ADM वित्त राजेश कुमार सिंह ने केवल ऑपरेटरों की समस्याओं के निदान हेतु बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि जनपद में जितने भी केबल ऑपरेटर केबल को चलाने के लिए अधिकृत हैं, वह हमारे कार्यालय को अवगत कराएं कि किन किन घरों में कितने कितने केबल लगाए हैं, उसी हिसाब से टैक्स जमा करते हैं कि नहीं, जिसका बहुत ही जल्द स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। आरसी कट गई, कमिश्नर साहब वहाँ चले गए 37% जमा करके, फिर वहाँ से खारिज हो गया तो हम लोग हाईकोर्ट चले गए, हाईकोर्ट से फिर आदेश आया सर कि इसको 50% पूरा किया जाए। अब आपके आदेश का इंतजार कर रहे थे। और कोई भी होता है जो हमने सर आपको जैसे कि सर बॉक्स जो भी बॉक्स हम लाए तो बॉक्स एक बैग तो लगने लगती है, अगर 100 लाए हैं तो 1 लगेगा, 2 लगेगा, 10 लगेगा, 5 लगेगा, 12 लगेगा, 15 होगा, तब 100 तक है। दूसरा सर ग्राउंड पे कभी भी एक बराबर रेट रहा नहीं है, ठीक, और बताते हैं वहाँ लगाना है, वो हमको देते हैं वहाँ पे लगा देते हैं, हम उनको बॉक्स लगाया वो सारा अपने पास रखते हैं। नहीं MSO तो आपका मेन एक तरह से सप्लायर हो गया, केबल ऑपरेटर अलग अलग हो गए। मान लीजिए जैसे कि आपके पास 3 कनेक्शन लेते होंगे और MSO को उस बात का पेमेंट करते इन्फॉर्म करते होंगे उनको पेमेंट करते। जहां कोरोना वायरस तेजी से पूरे देश में पैर पसार रहा है, वहीं इस वायरस से बचने के लिए लोग मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में कम दाम में अच्छे मास्क की पूर्ति के लिए जिला कारागार के कैदियों ने मास्क बनाना शुरू कर दिया है। जेल के सिलाई उद्योग में शामिल 6 बंदी वर्तमान समय में कपड़े के मास्क तैयार कर रहे हैं। एक दिन में करीब 50 मास्क तैयार हो रहे हैं। यह मास्क पहले कैदियों, कर्मचारियों और मुलाकातियों को मुहैया कराया जाएगा और फिर संख्या अधिक होने पर इसे बाहर बेचा जाएगा। वहीं जिला कारागार में कैदियों से मिलने वाले लोगों को जिला कारागार के कर्मचारियों द्वारा वायरस से बचने के लिए हैंड वॉश सहित अन्य उपायों को बताया जा रहा है।
सामने नल है जाके फिर भी आप कर लीजिए। कोई बात अच्छी बात है, जाके वहाँ हैंडपम्प है धो लीजिए आइए। इधर आइए आप, फिर लग जाएगा, फिर मोहर लगवा वहाँ जाकर जहाँ धोके आइए। फिर जाकर धो लीजिए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जेल अधीक्षक डॉक्टर राम धनी ने बताया, प्रथम हमने साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया है, बंदियों के बिस्तर, बंदियों के लिए रहने की जगह बैरक, कारागार परिसर में सफाई, इसके लिए हमने पूरे प्रयास किए हैं। साथ ही उनको डिटॉल साबुन और हैंडवाश कराया जा रहे हैं और जेल में कैदियों के लिए मास्क तैयार किया जा रहा है जो हमारे कैदी ही तैयार कर रहे हैं, और पब्लिक के लिए हमने यहाँ बोर्ड लगवाया है, एक फ्लैक्स बोर्ड के माध्यम से उनको जागरूक किया जा रहा है जो भी आगंतुक आ रहा है। साथ ही उनको हाथ धुलवाया जा रहा है, उनके चेहरे को भी मैं कहा हूँ कि आप लोग साफ सफाई रखें तथा आवश्यकता अनुसार मुलाकात करें। मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश विजय विश्वास पंत ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर गोरखपुर NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में चिकित्सकों से कहा कि कोरोना वायरस से बचाव हेतु सभी तैयारियां रखें जिससे संभावित मरीज को तत्काल इलाज किया जा सके और दूसरों को संक्रमित होने से बचाया जा सके। इस दौरान CMO डॉक्टर SK तिवारी सहित अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। तो उसमें आपका गैप कितना भी आपका वहाँ पर गैप है उसके अनुसार उसका पुराने का रिपेयरिंग और प्लस न्यू कंस्ट्रक्शन और ब्रांडिंग का उसमें साथ में 30,000 रुपए ऐसा नहीं है। परमिशन मांगी है तो नहीं मिले, तो आप जिला प्रशासन कोरोना वायरस से बचाव हेतु पूरी तरह मुस्तैद है। कलेक्ट्रेट परिसर में नगर निगम की टीम द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय, अंग्रेजी दफ्तर, NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल सहित कलेक्ट्रेट परिसर के अंतर्गत आने वाले सभी ऑफिसों में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया जिससे वायरस के लक्षणों को खत्म किया जा सके। राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा विजय किरण आनंद ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर गोरखपुर NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में AD बेसिक शिक्षा SP त्रिपाठी ने BSA भूपेंद्र नारायण सिंह सहित अन्य अधिकारियों से कहा कि कायाकल्प ऑपरेशन के अंतर्गत विद्यालयों को आवश्यक सुविधाओं के मानक के अनुरूप 31 मार्च तक कार्य करा लिए जाएं, जैसे ब्लैक बोर्ड, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय, स्वच्छ पेयजल एवं मल्टीपल हैंड वॉशिंग फर्स्ट टाइल्स लगवाएं, विद्युतकरण, किचन का जीर्णोद्धार, विद्यालय में इंटर लॉकिंग कराया जाए। ये संजय, जिन जिन BSA ने नहीं कर पाए सबका वेतन रोकिए। अभी मैं अभी तक सिर्फ मौका दे रहा हूँ, अवसर दे रहा हूँ, अभी आपने कार्रवाई मोड नहीं देखा है। कार्रवाई किस तरह से पद पे बैठे रहे, मैं अंतिम आप एक सभी आज शाम तक सभी BSA को ये 4-5 दिन की
डीसी निर्माण का चयन, डीसी एमआईएस का चयन, गाड़ियों का व्यवस्था, कार्य विभाजन, सभी का कार्य विभाजन यहाँ तक लेकर प्रतिनिधि आ जाना चाहिए कि कौन कौन से पटल में चलेगा, कार्य विभाजन तब कर। पुलिस परेड ग्राउंड में चल रहे गोरखपुर जोन की 69वीं अंतर जनपदीय पुलिस हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला बस्ती और गोरखपुर के बीच खेला गया। पुलिस हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला जहां एक तरफा रहा, वहीं बस्ती की टीम ने इस मुकाबले में गोरखपुर को 5-0 के बड़े अंतर से हराकर जीत दर्ज किया। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि एसपी पीटीएस श्रीमती किरण यादव ने विजेता टीम को विजेता ट्रॉफी सौंप कर शुभकामनाएं दी। इस दौरान एसपी एलआईयू राम निवास सिंह यादव, आईपीएस विकास कुमार, सीओ कैन सुमित शुक्ला, सीओ अरविंद कुमार पांडे, थाना प्रभारी कैन रवि राय सहित पुलिस विभाग के अधिकारी, आयोजन समिति के सदस्य और अन्य आरक्षी उपस्थित रहे। मैदान में आ जाए। कुल 5 टीमों ने प्रतिभाग किया। बस्ती, सिद्धार्थनगर, देवरिया, बहराइच, महराजगंज 24 ग्राउंड है ये ग्रासी हॉकी के लिए। फाइनल मैच आपके समक्ष राइट हैंड ले यार, गोरखपुर और बस। थ्री जीरो का स्कोर बस्ती के पक्ष में। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया, जोन स्तरीय हॉकी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था पुलिस लाइन गोरखपुर में। इस पूरे जोन स्तरीय प्रतिस्पर्धा में बस्ती जिला प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जबकि गोरखपुर जनपद ने द्वितीय स्थान प्राप्त करके पुलिस लाइन का मान बढ़ाया है। और सभी प्रतिभागियों द्वारा बहुत अच्छी भावना से इसमें प्रतिभाग लिया गया है और सभी से पुलिस लाइन द्वारा किए गए सभी अरेंजमेंट्स की भूरी भूरी प्रशंसा भी की गई। दिन भर में बस इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। साईं प्रणाम।